नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। बैग देख के तो आप समझ ही गए हैं कि मैं कहीं जाने का प्लान बना रही हूँ। तो मैंने सोचा जब मैं कहीं जा ही रही हूँ तो मुझे बैग को पैक तो करना है, तो क्यों ना ये वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में बहुत से बातें चलती रहती है कि कौन कौन सी चीज़ें लेना है, कौन सा ले कौन सा ना ले, कुछ चीज़ें छूट ना जाए। क्योंकि अक्सर हम कभी कभी ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे कुछ ज़रूरत की चीज़ें हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी ही छोटी छोटी बहुत सी टिप शेयर करूँगी जिसके ज़रिए अगर आप कहीं भी बाहर जाएं तो आपसे कुछ भी मिस ना हो और वो सभी चीज़ें आप अपने साथ ले जाएं, ताकि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ भी जाता है तो उसका भी सोल्यूशन आप ही के पास हो। अब सभी इनर गारमेंट्स को मैं एक अलग जगह पे लूँगी, लेकिन उसके पहले इसको मैं छोटे से छोटे फोल्ड कर ले रही हूँ ताकि इसमें भी मेरा बहुत ज़्यादा जगह का यूज़ ना हो। अब इन सभी को मैं छोटा सा फोल्ड करने के बाद मैं देखिए ये एक तरह का प्लास्टिक पाउच बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब भी हम इनर खरीद के लाते तो उसमें इस तरह के पाउच बैग हमें मिल जाते, तो मैं उसी का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ और उसमें मैं इन सभी इनर गारमेंट्स को एक जगह पे रख ली ताकि ये मुझे आसानी से दिख जाए। बैग को पैक करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम जगह पे हम बहुत सी चीज़ों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रख लें ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो मुझे आसानी से मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि उसे किस तरह से मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। इसके लिए देखिए पहले मैं यहाँ पे एक शॉपिंग बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जिप लॉक वाला शॉपिंग बैग है जिसमें मैं जितने भी आयरन किया हुआ कपड़े हैं उन सभी को मैं डे वाइज अच्छी तरह से सेट करके रख ली ताकि कौन सा दिन क्या पहनना है उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़े और आसानी से मुझे मिल जाए। ये देखिए और एक मैं इस तरह ट्रांसपेरेंट वाला शॉपिंग बैग में मैं कुछ कपड़े को ले ली ताकि ये मुझे देखने पे पता चल जाए कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं, और लेने के बाद इसे अच्छी तरह से मैं हाथ से प्रेस के ताकि इसके अंदर जो भी एयर है वो निकल जाए ताकि ये रखने में बहुत ज़्यादा स्पेस ना ले। और ये देखिए मैं बैग पैक करने के लिए कुछ भी चीज़ें अलग से नहीं खरीदी, बल्कि घर पे ही हमारे बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम यूज़ करें तो हम बैग में बहुत आसानी से सभी चीज़ों को पैक कर सकते हैं और ये हमें आसानी से मिल भी जाएंगे। और एक देखिए ट्रांसपेरेंट वाला प्लास्टिक बैग में मैं हैंकी, सॉक्स और टॉवल इन सब को मैं अलग से फोल्ड करके ले ली। एक अलग से मैं एक्स्ट्रा बैग अपने साथ हमेशा रखती हूँ क्योंकि जब भी कहीं घूमने जाते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह हो जाए या फिर अगर कोई भी बैग टूट जाए, ज़रूरत पड़ने पर इस फोल्ड किया हुआ बैग का मैं वहाँ पर इस्तेमाल कर सकूँ। ठंडे की जगह जा रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे मेरे और मेरे हस्बैंड का उलन गारमेंट्स भी रख ली। इसको फ़िलहाल मैं ऐसे ही फोल्ड करके रख रही हूँ क्योंकि सभी चीज़ों को रखने के बाद जो जगह मुझे थोड़ा सा लगेगा फाँका है उस जगह पे मैं इसे रोल करके रख लूँगी। अब मैं एक और ट्रांसपेरेंट वाला प्लास्टिक बैग का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। जो अक्सर हम बेडशीट लाते हैं ना उसके साथ हमें इस तरह से देखिएगा पैक किया हुआ प्लास्टिक बैग मिल जाता है। मैं उसमें जो अलग से टी शर्ट, शॉर्ट्स, इन सब चीज़ों को मैं पैक करके रख ली ताकि देखने पर पता चल जाए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई है। इस जगह पे भी मैं कुछ चीज़ों को रखने के लिए इस तरह के ट्रांसपेरेंट वाला प्लास्टिक पाउच का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ पे एक सेट करके जूते रख ले रही हूँ क्योंकि एक बार मैं प्रॉब्लम में पड़ गई थी कि मेरा जूता फट गया था और वहाँ पे कुछ भी दुकान नहीं था, तो उस समय इस तरह के जो एक्स्ट्रा एक सेट लेके जाते हैं वो बहुत काम आता है। साथ में मैं यहाँ पे स्लीपर्स भी रख लूँगी। और ये देखिए इस तरह के जो ट्रैवलिंग का पाउच बैग होता है, यहाँ पे सभी मैं मेकअप की चीज़ें इन सबको अलग अलग से ले ली और मेकअप के ब्रश इन सबको भी मैं अलग से जिप में रख ली। साथ में मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन लेना बिल्कुल नहीं भूलती क्योंकि ये ज़रूरत पड़ने पर ये बहुत काम आती है। टॉयलेट के सभी सामान को मैं इस तरह से एक अलग ट्रांसपेरेंट वाला बॉक्स में मैं सेट कर रही हूँ ताकि ये मुझे आसानी से देखने से पता चल जाए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं। देखिए ये भी बॉक्स अक्सर जब भी हम कुछ खरीद के लाते हैं तो उसमें इस तरह के बॉक्स हमें मिल जाते हैं, मैं उसको भी फेंकने की जगह यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ।
हमें अपने हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और इसलिए मैं यहाँ पे देखिए भीवस और सैनिटरी पैड्स, साथ में आपका टॉयलेट सीटर और स्टैंड पी, इन सभी चीज़ों को मैं अलग से रख रही हूँ। और साथ में कुछ चीज़ें मैं अपने पर्स में भी रखती हूँ जो मुझे ट्रैवल के दौरान ज़रूरत पड़े तो वो मैं आसानी से यूज़ कर सकूँ। धूप और बारिश से बचने के लिए मैं टोपी और छाता, इन दोनों को बिल्कुल नहीं भूलती, इसको साथ ही रखती हूँ, पता नहीं कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। USB केबल और मोबाइल चार्जर, इन सभी को मैं एक अलग पाउच बैग में ले लेती हूँ। जो भी मेडिसिन हम सभी यूज़ करते हैं और जो हमें रेगुलर ज़रूरत पड़ता है, उन सभी मेडिसिन के लिए मैं इस तरह के एक पाउच का बैग का देखिए इस्तेमाल कर रही हूँ। उसमें ज़रूरतमंद जो मेडिसिन होती है उनको मैं ज़रूर ले लेती हूँ, और साथ में जो भी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं, जैसे एसिडिटी जो भी हो, कफ एंड कोल्ड, तो इन सभी के कुछ कुछ दवाई साथ में ज़रूर मैं लेके जाती हूँ, क्योंकि सभी जगह पे अच्छी तरह से हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर्स मिलते नहीं हैं, तो ये हमें ज़रूर अपने साथ रखना चाहिए ताकि ये इमरजेंसी में काम आए। मैं अपने साथ फेविक्विक को रखना बिल्कुल नहीं भूलती, क्योंकि कभी कभी ये भी हमारे बहुत से छोटे छोटे जगह पे बड़ी बड़ी काम कर जाती है। जैसे एक बार मेरा जूते का पीछे का रबर जो है वो खुल गया था, उस समय ये फेविक्विक की मदद से मैं उसे चिपका के पूरा टूर कंप्लीट कर ली। सनग्लास, पिकल्स और साथ में हैंड सैनिटाइजर, टॉयलेट सैनिटाइजर, कुछ मेकअप के चीज़ें जैसे फेस पाउडर, लिप बम, और इन सब छोटी छोटी चीज़ों को मैं इस तरह से हैंड पर्स में रख लेती हूँ। मैं अपने पर्स में बैंडेड और उसके साथ जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है उन सबको एक अलग पाउच बैग में करके रख लेती हूँ। इस तरह के मैं एक बैकपैक का हमेशा अपने साथ लेके जाती हूँ, क्योंकि ट्रैवल के दौरान जब भी कुछ चीज़ें रखने का ज़रूरत पड़ता है तब ये हाथ के सामने रहता है, तो इसमें रख लेते हैं। जैसे कुछ टिफ़िन लेना या फिर कुछ बिस्किट, कुछ चॉकलेट्स, मोबाइल के चार्जर, कैमरा, पानी के बॉटल, कुछ भी ज़रूरत हो रखने का तो इसे बहुत आसानी से इसमें रख के यूज़ कर सकते हैं। अब मैं वैकेशन में जाने के लिए पूरा रेडी हो गई, मेरी सभी पैकिंग ख़त्म हो गई और मैं जा रही हूँ सिक्किम, जिसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये वीडियो अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुँच जाएगी। तो चलिए अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।